तो हे गाइस, आज हम निकले गोपालगंज के लिए क्योंकि वहाँ पे सुने हैं कि बहुत ही सारा पंडाल बन रहा है, बुर्ज खलीफा, राम मंदिर, उत्तराखंड का मंदिर, बहुत ही सारा मंदिर बन रहा है। तो आज हम जा रहे हैं, हम और दोस्त मिल के देखने, और आपको बताते हैं कितना बना है कितना नहीं। तो चलिए फटाफट से गोपालगंज देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना बना है कितना नहीं बना है। तो अपने बाइक चालू करते हैं, चलते हैं डायरेक्ट गोपालगंज की तरफ, पूरे दिन देखें कितना बना है कितना, और लागत भी मालूम करेंगे कितना लग रहा है एक पंडाल बनाने में। चलिए फिर चलते हैं गोपालगंज। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच गए हैं, ये है राजा दल पूजा समिति भव्य पंडाल। ये बिरला मंदिर का स्ट्रक्चर, जो कलकत्ता में बिरला मंदिर है उसी का ये स्ट्रक्चर बन रहा है। और कुछ उन लोगों से पता करने के बाद मालूम चला है कि ये उन लोग बनाने वाले कलकत्ता के ही हैं, और ये 20 जन है, 20 जन मिल के बनाते हैं। और इसका अगर इतनी लागत की बात करें तो उन्होंने तो बताया नहीं कि कितना लगेगा, लेकिन अप्रोक्सम मतलब कि मिला जुला के आपको ये 35 लाख के आसपास टोटल ये खर्चा मतलब सब लेके होगा, इतना मतलब अनुमानन उन्होंने बताया, कंफर्म नहीं बताया। तो ये बन रहा है वहाँ का बिरला मंदिर है कलकत्ता का, और ये है न्यू राजा दल। और आपको बता दे ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पास में ही है ये चीनी मिल के जस्ट साइड में ही है ये, और इस साइड है हॉस्पिटल, वो भी चलेंगे, उस साइड भी बन रहा है। तो ये है न्यू राजा दल, और देख सकते हैं कितना ही मेहनत और बारीकी से काम है। घोस मोड़ के पास ही है। एक लेबर का बात करें तो ये लेबर सारे ठीके पे आए हैं, जितना आपको पीछे लेबर दिख रहे हैं इसको छोड़ के, ये मेरा दोस्त लेबर नहीं है, तो इसको छोड़ के सारे जितने आए हैं ये सारे कलकत्ते के। और अगर बात करें तो इनका एक का मतलब 60 से 70 हज़ार रुपये फिक्स है, इतना लगेगा मतलब एक आदमी का। और इन लोग 20 जन है, तो आप जोड़ सकते हैं कि सिर्फ बनाने का इतना हुआ, उसके बाद इस पर फोम वोम लगेगा, कपड़ा लगेगा, वो सारे चीज़ अलग है, वो सारे चीज़ दूसरे कोई के हैंड में, वो सारे चीज़ दूसरे को, इन लोगों का सिर्फ स्ट्रक्चर डिजाइन कर देना है। और अपने मेहनत में सब कोई लगा हुआ है राजा दल में बनाने के लिए, और हर साल ये बहुत अच्छा ही बनता है। और सुनने में बुर्ज खलीफा बनता है, तो चलेंगे बुर्ज खलीफा भी आगे देखेंगे। तो बिना लेट किए चलिए फिर आगे, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे का मंदिर पंडाल क्या बन रहा है क्या नहीं। शिव दल का और ये बन रहा है केदारनाथ का जो मंदिर है, सेम उसी के स्ट्रक्चर में डिजाइन में ये वाला मंदिर बन रहा है, बट उतना भव्य नहीं बन रहा है, उतना बड़ा नहीं बन रहा है, लेकिन सेम उसी के स्ट्रक्चर डिजाइन वगैरह में बन रहा है। अगर बात करें इस पंडाल के लागत और खर्चे के, तो इस पंडाल में 15 लाख से बस थोड़ा सा ऊपर पैसा लग रहा है इन्होंने, मतलब 15 लाख के अनुमानन एक बताया है। और ये इसमें भी जितने ही सारे आए हैं डिजाइनदार, ये भी कलकत्ते के ऐसे वहीं से, जो कलकत्ता को वहाँ राजा दल में आपको देखे तो वो यहीं का ही है, ठीक है, वो भी कलकत्ता से आए हैं, ये भी सारे कलकत्ता से आए हैं। और इसका अगर बात कर लागत का, तो ये 15 लाख और प्रॉफिट इसमें खर्चा बैठा हुआ है। और ये आपको मिल जाएगा शिव मंदिर के पास ही, शिव दल नाम है इसका, और ये शिव दल कमेटी इसको बनाती है, सारा जिम्मा खर्चा वही उठाती है। अब चलिए आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे आगे कौन कौन सा पंडाल बना हुआ है, कौन सा पंडाल नहीं बना हुआ है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं हम आगे। पहुँच चुके हैं अभी बंजारी मोड़ पर ये वाला मंदिर बन रहा है, लेकिन आप कमेंट में बताइए कि ये कौन सा मंदिर बन रहा है, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो चलिए हम बाद में बता देंगे, लेकिन आप बता दीजिए कि ये कौन सा मंदिर बन रहा है। और इसका टोटल लागत का बात करें तो इसमें 20 से 25 लाख रुपये लग रहे हैं, और इसमें भी जितने सारे मजदूर हैं सारे के सारे कलकत्ते से ही आए हुए हैं मजदूर। और ये आपको हाईवे के लेफ्ट और जो हाईवे राइट साइड में ठीक उसके बीच में एकदम सेंटर में ये वाला मंदिर पड़ जाएगा,
और ये बंजारी मोड़ ना, ठीक बंजारी मोड़ पे ही है, आपको कहीं जाना नहीं है घूमने के लिए, आपको ये बंजारी मोड़ पे ही मिल जाएगा और जस्ट हाईवे के बीचों बीच एकदम है। और देख सकते हैं ये मंदिर का स्ट्रक्चर, आप बताइए कि ये कौन सा मंदिर है और कौन सा नहीं है। इसके बाद चलेंगे बुर्ज खलीफा के बारे में, बुर्ज खलीफा देखने, तो आप वीडियो में बने रहें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये है बुर्ज खलीफा के सामने का स्ट्रक्चर, ये कुछ ज़्यादा बना हुआ है नहीं, जो बना है सो वो अंडरग्राउंड दिख रहा है जो टनल उसी के अंदर है। चलिए वहाँ भी हम आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं बुर्ज खलीफा का और स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा गया है। सामने में कुछ ज़्यादा तैयारी हुआ नहीं है, इसी ये जाएगा और उस पर लगेगा, तो सारे यहाँ बन रहे हैं और एक उस साइड बन रहा है वो भी दिखा रहे हैं हम आपको। चलिए बाकी सारे बुर्ज खलीफा गोवर के यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे सारे काम यहीं पे हो रहा है, अंडरग्राउंड इस ग्राउंड के नीचे ही हो रहा है और ये ओवर ब्रिज नहीं बना है, इसी के नीचे सारे काम हो रहा है। और सामने में बस थोड़ा सा तैयारी हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं, और ये सारे स्ट्रक्चर उस पर लगेंगे तो ये कुछ दिन के बाद बहुत अच्छा लगेगा। और उतना बड़ा बन नहीं रहा है जितना बड़ा बुर्ज खलीफा है, मतलब 100 मीटर के आसपास बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता है, फिर भी जितना बनेगा बहुत बहुत बनेगा, अच्छा बनेगा। चलिए फिर देखेंगे, और मूर्ति भी यहीं पे बन रहा है। तो सो ये था गोपालगंज का सारे पंडाल जो बन रहे हैं। आपको ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बता दीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे प्रजापति वाटी चैनल पे। गोपालगंज में बन रहा है पंडाल, दुर्गा पूजा का पंडाल, बहुत ही सारा सुने हैं कि बुर्ज खलीफा, राम मंदिर, बहुत ही सारा मंदिर वगैरह बन रहा है।